देखिए आज हमने देखा मुंबई से चलकर एक लड़की शबनम भगवान राम के दर्शन कर नंगे पैर आई है और आज बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग आए हैं, क्योंकि देखिए औरंगजेब और बाबर के समय में जबरन उनको हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म ग्रहण कराया गया था। मुंबई से लेकर यहाँ तक पैदल चलकर आई है। देखिए रामराज जी तो है, किसी की हिम्मत पड़ी? किसी की हिम्मत उंगली टच करने की नहीं पड़ी, बल्कि जगह जगह सैकड़ों हजारों लोगों ने उसका सम्मान किया। आज भी जब यहाँ आई वो, हमने देखा, हमसे मुलाकात भी उनकी हुई, आज भी इतनी प्रसन्नता उनके मन में थी, उनके इर्द गिर्द जो लोग चल रहे थे उतना सम्मान उन्हें दे रहे। सनातनी शबनम की जय हो। भगवान रामलला का दर्शन करके गई है। सनातन धर्म सबको अपनाता है, किसी से कोई बैर नहीं है। राजा रामचंद्र की जन्मभूमि में सबका स्वागत है। जैसे किसी समय हिंदू मुस्लिम धर्म में प्रवृत्त हुए, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो सब लोग अपने अपने वापस अपने धर्म को स्वीकारेंगे और सनातन धर्म की जय जयकार होगी, दोबारा से वो हिंदू बनेंगे। जय हिंदू राष्ट्र। रामलला के विराजमान होने के बाद से पूरे देश भर से आस्था का सैलाब अयोध्या में उमड़ पड़ा है। ऐसे में पूरे देश के भक्तगण श्रद्धालुगण उनकी ये कोशिश है कि सबसे पहले रामलला का दर्शन करें, क्योंकि 500 वर्ष का लंबा इंतजार, लंबी प्रतीक्षा इन भक्तों को करनी पड़ी है और इसीलिए ये सारे भक्तगण प्राण और प्रण से दर्शन करने के लिए आए हैं। देखिए राम कैसे मिलवाते हैं, राम कैसे दर्श कराते हैं। हरिगढ़ से चले आए और हरिगढ़ में ढूंढे मिलते नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर जो है जैसे लग रहा है राम और लखन का मिलाप हो रहा है, भरत राम और भरत का मिलाप हो रहा, उसी तरह का भाव और उसी तरह का दर्शन देखते हुए दिखाई दे रहा है। तो अवधपुरी अयोध्या नगरी में आपका बहुत बहुत भव्य भव्य स्वागत है। मानव महाजन जी हैं, तेज तर्रार भाजपा के नेता भी हैं। मानव जी, अयोध्या की पहली यात्रा वैसे तो आपने बहुत की होगी, लेकिन राम लला के विराजमान होने के बाद जो आपकी यात्रा हो रही है, उस यात्रा में कैसी अनुभूति, दर्शन किया, कैसे हमारे राम लला लग रहे हैं? मेरी न जाने कितनी पीढ़ियां तरस गई होंगी आज के इस दिन को देखने के लिए। मैं उन पीढ़ियों में सौभाग्यशाली हूँ जो अपने रहते ही उस बाबरी जैसे कलंक को मिटते हुए देखा और भगवान रामलला को विराजमान होते हुए देखा। ये वास्तव में मेरे लिए, मेरी इस पीढ़ी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और आज मन इतना तृप्त है। वैसे तो अयोध्या कई बार आना हुआ है, लेकिन आज अयोध्या जब आने का था तो ना तो घना कोहरा रोक पाया, ना दूरी रोक पाई, और अपने सब मित्रों के साथ आज भगवान रामलला के दर्शन कर अपने आप को धन्य किया। देखिए आज हमने देखा मुंबई से चलकर एक लड़की शबनम भगवान राम के दर्शन कर नंगे पैर आई है और आज बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग आए हैं, क्योंकि देखिए औरंगजेब और बाबर के समय में जबरन उनको हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म ग्रहण कराया गया था, लेकिन आज क्योंकि राम राज्य केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, राम राज्य वो होता है जिस राज्य में सब सुखी हों, राम राज्य वो होता है जिस राज्य में कोई किसी का दुश्मन ना हो। तो आज मुसलमान इस देश का, मैं अपने शहर की यदि बात करूं तो मेरे शहर में कभी दंगों का शहर कहलाता था, लेकिन आज मेरा शहर और मेरे शहर के जो मुस्लिम हैं वो कहते हैं कि आज हमारे बच्चे चाहते हैं कि हम बड़ा कारोबार करें, आज हमारे बच्चे चाहते हैं कि हम शहर की मुख्य धारा से जुड़ें। उनके बच्चे भी उसी एक्सप्रेस वे पर चल रहे हैं, उनके बच्चे भी उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी तालों का निर्माण कर रहे हैं, वो भी तालीम ले रहे हैं, IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। तो वो जानते हैं कि मुस्लिमों के नाम पर राज करने वाली जो पार्टियां थी उनके समय में जब दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, तो सबसे ज्यादा भूखे मरने की नौबत जो आती थी उन्हीं लोगों की आती थी। इन राजनीतिक दलों ने उनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया और हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अपनी दुकान चलाने के नाम पर, अपनी सत्ता के नाम पर हमेशा उनको जहां थे वहीं की वहीं रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबको मौका मिल रहा है, सबको अवसर मिल रहा है, तो निश्चित रूप से इस देश के साथ अपने कदम बढ़ाने के लिए आप देखना एक दिन वो हिंदू धर्म ग्रहण करेंगे, स्वतः ग्रहण करेंगे, किसी जोर जबरदस्ती नहीं। आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा बता दे पूरे देश में जो किसी ने किसी से जबरदस्ती की हो, लेकिन आने वाला समय आप देख लेना। मेरी बहुत सारे लोगों से, हमारे रूबी आसिफान है, सारी पूजा करती हैं, वो कहती हैं धमकियां बहुत मिलती हैं, लेकिन देखिए वो धमकियां सिरफिरे लोगों की है और वो धमकियां देने से, मैंने तो ये देखा है, आपने भी देखा होगा राजनारायण जी, जब जब उनको धमकी मिली है तब तब
वो और निखरी हैं, तब तब और निखरी हैं। शबनम की बात कर रहे हैं, मुंबई से 1400 किलोमीटर की यात्रा तय करके अयोध्या में आज रामलला के दर्शन जिन्होंने किए, कम से कम 100 फतवे उनके खिलाफ जारी हो गए हैं और सारे लोग कह रहे हैं इस्लाम के लायक नहीं है, इस्लाम में रहने की उनकी कोई जगह नहीं है। इस्लाम के लोग जो मुस्लिम है, झुक झुक कर हम खड़े हुए, अब झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों स्वयं रचा है, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। अब मुसलमानों को भी लगने लगा है, किसी का खौफ नहीं है। रूबी आसिफ खान जैसी अनेकों सैकड़ों लोग नहीं, जिस शबनम के खिलाफ 100 से अधिक करीब फतवे जारी, आज पूरे देश में मुंबई से लेकर यहाँ तक पैदल चलकर आई है। देखिए रामराज जी तो है, किसी की हिम्मत पड़ी, किसी की हिम्मत उंगली टच करने की नहीं पड़ी, बल्कि जगह जगह सैकड़ों हजारों लोगों ने उसका सम्मान किया। आज भी जब यहाँ आई वो, हमने देखा, हमसे मुलाकात भी उनकी हुई, आज भी इतनी प्रसन्नता उनके मन में थी, उनके इर्द गिर्द जो लोग चल रहे थे उतना सम्मान उन्हें दे रहे थे। तो आप देखिए, नहीं तो क्या 2014 से पहले वो यहाँ ऐसे पैदल नहीं आ पाती? वो 2014 से पहले तो भगवान राम का नाम भी नहीं ले सकती थी, हालत थी देश की। 2014 से पहले का जो अगर हम वक्त याद करेंगे तो हमें भी कभी कभी शरण आ जाती है। मुझे खूब याद है, हमें 14-15 बरस का हुआ करता था, तो यहाँ पर हम ट्रक में भर के आए थे, कोड़ियागंज मेरा गांव था, कोड़ियागंज से आए थे, ट्रक में अपने ऊपर भूसा लाद कर लाए थे, जिससे रास्ते में चेकिंग हुई, और वो खौफनाक मंजर हमें आज भी याद है। 2014 से पहले लगभग वही मंजर था, अयोध्या जब हम आते थे तो इतना डरे हुए। मुस्लिम महिला लड़की या कोई मुसलमान यहाँ अयोध्या नहीं आ पाता 2014 से पहले, जिस तरह से सनातनी शबनम भगवा ध्वज लेकर आई है। अयोध्या तो छोड़िए, जो जो मुस्लिम, मैं धर्म की बात भी नहीं कर रहा, जो मुस्लिम हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार रखते थे उस मुस्लिमों को भी अपनी जान का खतरा हुआ करता था। वो समय था, मुसलमान जबरन 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 उन्हें अपना मानते थे, अपना मानने को मजबूर करते थे, यानी उनको समाज सोसाइटी में बैठने का भी हक नहीं होता था। उनके बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते थे जिन स्कूलों में मुस्लिम पढ़ेंगे, वो खरीदारी वहीं से करते थे जहाँ से जो बेचने वाले दुकानदार मुस्लिम होते थे। लेकिन आज ना खरीदार का पता ना दुकानदार का पता, कौन है हिंदू है मुस्लिम है, आज भाईचारे की जो मिसाल है। सनातनी शबनम के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने रामलला के दर्शन किए? देखिए मुझे लगता है उनकी घर वापसी तो उसी दिन हो गई जिस दिन उन्होंने ऐसा सोचा होगा। और हम ऐसे लोगों का स्वागत सम्मान इसलिए भी करते हैं कि अपने धर्म से लड़कर, अपने धर्म से लड़कर, देखिए हम आज अगर सनातन को मानते हैं तो ये हमारा कोई बड़ी बात नहीं, हम सनातनी हैं, हम जन्म से सनातनी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे कसाईयों के हाथ में, दांतों के बीच में जवान जैसे जो लोग रहते हैं, शबनम बहन जैसे लोग जो रहते हैं, वो लोग यदि भगवान राम का नाम ले रहे हैं तो अब मान के चलिए भगवान राम की सीधी मेहरबानी उन पर हुई है और भगवान ने उनको स्वयं बुलाया है। और आप देखना आने वाले समय में प्रभु की कृपा उन पर पूरी तरह बरसेगी। पहले जैसे अयोध्या आते थे मन में क्या पीड़ा होती थी? अयोध्या का ये दर्शन देख के मन में क्या दर्द होता था? देखिए ये दर्द होता था कि हमारी 550 वर्षों में न जाने कितना संघर्ष किया, मुगलों से संघर्ष किया, अंग्रेजों से संघर्ष किया, हमारी सरकार बनी, हिंदुओं का ये राष्ट्र है, लेकिन हमारे इस हिंदुओं के इस राष्ट्र में, हिंदुस्तान में भगवान राम लला इस तरीके से विराजमान थे कि 3 फुट की गैलरी पूरी तरह से जालियों से ढकी हुई, जैसे कहते हैं शेर पिंजड़े में बंद है और हम पिंजड़े में से उसके दर्शन कर रहे हैं। मन में बड़ी पीड़ा होती थी कि जो राम लला, जिनका समूचा विश्व है, जिनके नाम पूरा विश्व है, पूरा देश है हमारा, और वो इसे ऐसा कष्ट होता था मन में देखकर। लेकिन आज वो सारा कष्ट इतनी खुशी में बदल गया कि इतनी खुशी आज तक, आज से पहले कभी नहीं हुई। जी अभी भी सपा के एक सांसद हैं जो कहते हैं कि वहाँ पर रामलला भले ही विराजमान हो गए लेकिन वो बाबरी मस्जिद मानते हैं वहीं पर, और बोलते हैं वो उनके इबादत गाह की वही स्थान है, जगह है। देखिए शायद उनको याद होगा कि उनके पिताजी और उनके भी पिताजी, उनकी जब मृत्यु हुई होगी सब यात्रा निकली होगी तो हो सकता है वो दफनाए गए हों, चूंकि मुसलमान संस्कृति को मानते हों। लेकिन यदि वो पूछेंगे अपने घर वालों से, पूछेंगे बुजुर्गों से, अपने से, तो राम नाम सत्य है उसका नारा लगता होगा उनकी सब यात्रा में। लेकिन दुर्भाग्य का विषय उनके लिए नहीं है,
देखिए वो दुर्भाग्य का विषय, प्रभु के राज में, राम राज्य में जो रावण जैसी बात करेगा उसका अंत भी निश्चित है, या राम राज्य में तो केवल राम की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा, ये नारा ही नहीं सच्चाई भी है। और देखिए चाहे अखिलेश यादव हों चाहे राहुल गांधी हों, जनता इनको नकार चुकी है। एकमात्र इनके पास बहुत अच्छा अवसर था कि ये भगवान की शरण में जाते तो हो सकता है कुछ इज्जत इनकी बच जाती, कुछ अपने घर के लिए एक आध सीट है ये बचा लेते। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इतनी खराब भाषा बोलने के बाद, इतनी अमर्यादित भाषा बोलने के बाद जनता इनको चुनावों में इनसे पूछेगी कि आखिर आप बताइए आप हिंदू हैं सनातनी हैं या आप किसी और धर्म को मानने वाले हैं, निश्चित पूछेगी। और हो सकता है जनता का क्रोध इनके ऊपर टूटेगा। हमें बुलाया किसी ने क्या? यहाँ जो लाखों लोग आ रहे हैं ये क्या बुलाया किसी ने? ये क्या किसी ने निमंत्रण दिया है? ये भगवान से मिलने की जो चाह होती है, भगवान से मिलने की जो इच्छा होती है, ये स्वतः होती है, ये हृदय से होती है, ये किसी को बुलाने से नहीं होती। हमको कोई निमंत्रण नहीं मिला, या जो लाखों लोग जो प्रतिदिन आ रहे हैं वो किसी निमंत्रण पर नहीं आ रहे हैं, हमारे आराध्य हैं, हमको अपने आराध्य के दर्शन करने हैं। तो अगर वो राम भक्त होते तो निश्चित रूप से, अगर नहीं भी आते तो ऐसी भाषा नहीं बोलते। लेकिन ऐसी भाषा बोलकर उन्होंने जता दिया कि राम राज्य में रावण भी थे राक्षस भी थे, तो ये वो राक्षस हैं, मैं इनको राक्षस ही कहूँगा, जो जिनकी किस्मत में उनका विरोध करना लिखा है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार का तो देखिए उनका तो नैतिक अंत हो चुका है। मुलायम सिंह कहते थे अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अब देखिए भगवान वाल्मीकि के नाम पर यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है और सारी दुनिया से फ्लाइट आ रही है तो परिंदा नहीं पर मार रहे। अब जो लाखों लोग पूरी दुनिया के लोग पर फड़फड़ाकर भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। हिंदू धर्म धोखा है स्वामी प्रसाद मौर्य सपा नेता वो कहते हैं। देखिए जी उनके किसी के कहने से कुछ नहीं होता, जो धोखा है वो सबको पता है, राम राम है और राम जय श्री राम हमेशा यही रहेंगे। उनको भी इसी पे आना है, एक दिन जब उनकी अर्थी निकलेगी तो वो जय श्री राम के साथ ही निकलेगी, उसके अलावा किसी का अंतिम। आपने तय कर रखा है कि राम नाम सत्य होगा, 100% राम नाम सत्य होगा। अगर वो हिंदू हैं तो राम नाम सत्य होगा, अदरवाइज तो पता नहीं कौन क्या है, वो हम कह नहीं सकते। आज लाखों मुस्लिम लोगों के बीच में बहुत सारे लोग हम और भी देख रहे हैं, अपने शहर में पूरे देश में आज काफी मुस्लिम समाज भाजपा में राम में होता जा रहा है। वो क्या है, जैसे किसी समय हिंदू मुस्लिम धर्म में प्रवृत्त हुए, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो सब लोग अपने वापस अपने धर्म को स्वीकारेंगे और सनातन धर्म की जय जयकार होगी, दोबारा से वो हिंदू बनेंगे। जय हिंदू राष्ट्र। मानव महाजन जी का ये कहना है कि सनातनी सबनम पर भगवान राम जी की कृपा बहुत है और इसी कृपा के कारण जो है वो रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंची। उन्होंने बातचीत सबनम से की और वो कहते हैं कि उनको प्राउड है कि सबनम जैसी बेटियां लड़कियां जो रामलला के दर्शन करने के लिए आ रही हैं, यही भारत की संस्कृति है, यही सनातन की संस्कृति है। जिस सनातन की संस्कृति में सबनम जैसी बेटियों को भी बड़े सहज से सरल से उन्हें दर्शन कराया जाता है, उनका ये भी कहना है, तात्पर्य ये है कि शायद वो मस्जिद में जाती तो इतने सौम्यता से इतने सरलता से वो दर्शन नहीं कर पाती। जिस तरह से सबनम सनातनी ने राम लला के दर्शन किए और 1400 किलोमीटर की यात्रा तय करके आ रही हैं, तो बता रहे हैं मानव जी कि अगर राम राज नहीं होता तो 1400 किलोमीटर की यात्रा क्या 14 कदम भी सबनम नहीं चल पाती। तो उन्होंने कहा है कि रामलला विराजमान हो गए 2014 और 17 के बाद से पूरे देश भर में राम राज है, इसलिए कोई भी मुस्लिम आ सकता है सनातनी चोला पहनकर भगवा ध्वज लेकर रामलला के दर्शन करने। एक ही नारा एक ही नाम राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। देखिए देश भर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें गजब का जोश है, गजब का आत्मविश्वास है और राम लला के दर्शन करके तो इनका जीवन कृतार्थ हो गया। 500 वर्ष के जो इनके पुरखों की बुजुर्गों की जो साधना त्याग समर्पण और बलिदान था वो सारा कुछ
एकदम पूर्ण हो गया और इनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं, भाव के, प्रेम के, भक्ति के, श्रद्धा के, त्याग के, समर्पण के, क्योंकि भारत तर्पण और अर्पण की धरती है, यहाँ देना ही देना है, तो यहाँ पर त्याग और समर्पण देकर ये लोग आ रहे हैं।